नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज चाइल्ड पेडागॉजी का सीरीज़ में। आप सभी को पता होगा हम लोग पेडागॉजी सीरीज जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसका डिस्कशन कर रहे हैं वन बाई वन। तो उसी कड़ी में आज क्लास नंबर 17 है और इससे पहले पेपर वन का जितना भी है 2011 से लेकर 19 तक उसका डिस्कशन तो हो चुका है, लेकिन पेपर टू भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और उसका दो पेपर हो चुका है। उसको भी आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट बनाया हुआ वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और 2012 का नवंबर महीना का जो पेपर टू का पेपर है सीडीपी का, उसका 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, मैं क्वेश्चन को रीड कर दे रहा हूँ। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वॉज एडवोकेट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है कौन सा थिंकर ने दिया या फिर एडवोकेट किया, इसका सही आंसर होगा आपका देखिए बी एफ स्किनर जो है अभी नहीं होगा, बिहेवियरिस्ट आते हैं, एरिक रिक्सन साइकोसोशियल आता है और चार्ल्स डार्विन, यहाँ पे कोई रिलेटेड नहीं है चाइल्ड सेंटर्ड का। और यहाँ पे जॉन डीवी जो है वही चाइल्ड सेंटर्ड और या फिर प्रोग्रेसिव एजुकेशन को जनक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर टू यहाँ पे सही है, ठीक है, दो नंबर ऑप्शन सही है क्वेश्चन वन के लिए। आगे व्हाइल टीचिंग ए सिंगल पेरेंट टीचर चाइल्ड ए टीचर शुड, सिंगल जो क्या बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड है उसको टीचिंग करते समय टीचर को क्या ध्यान रखना चाहिए। ट्रीट सच एज ए चाइल्ड डिफरेंटली ट्रीट किसी को करना नहीं होता है, लेसर भी नहीं असाइनमेंट का बात यहाँ आता है, प्रोवाइड स्टेबल एंड कंसिस्टेंट वैसा कुछ नहीं करना है, आपको इफेक्ट को ओवरलुक करना है और एज नॉर्मल जैसा पढ़ाते हैं वैसा ही आपको पढ़ाना है, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं रखना है। तो ऑप्शन फोर यहाँ पे सही है, ओवरलुक दिस फैक्ट एंड ट्रीट सच ए चिल्ड्रन एज पर विथ अदर चिल्ड्रेन, ठीक है, ऑप्शन फोर यहाँ पे सही है। आगे चलेंगे, एक्सेलरेशन विथ रिफरेंस टू द गिफ्टेड चिल्ड्रेन मीन्स, यदि गिफ्टेड चिल्ड्रेन है जिसका आईक्यू 140 है, डाइवर्जेंट लर्नर है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसका होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको एक्सेलरेशन का किया जाता है, उसका मतलब क्या होता है, यानी उसको एक क्लास से दूसरे क्लास में आपको मतलब वो प्रमोट किया जाता है। एक्सेलरेटिंग ट्रांजेक्शन कुछ नहीं होता है, स्पीडिंग भी नहीं है और एक्सेलरेशन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट भी नहीं है, प्रोमोटिंग सच स्टूडेंट टू द नेक्स्ट हायर ग्रेड बाय स्किपिंग द प्रेजेंट ग्रेड, उसको नया मतलब नेक्स्ट ग्रेड में उसको प्रमोट कर देना होता है, एक्सेलरेशन का मतलब गिफ्टेड चिल्ड्रेन, ठीक है, ऑप्शन थ्री यहाँ सही। आगे चलेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रेन, गिफ्टेड चिल्ड्रेन के लिए कौन सा यहाँ एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट होगा, यानी इसमें सोचने के लिए मजबूर हो, ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड नहीं। सॉल्व एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द फाइव यहाँ देखो मेंशन कर दिया, यहाँ पे कोई सोच नहीं पाएगा। टीचर टीच देयर क्लासमेट इन द टीचर डे में टीच करे, इससे कुछ नहीं होगा। राइट ए रिपोर्ट ऑन स्कूल मैच रिसेंटली है, स्कूल मैच पर रिपोर्ट लिखेगा, हो सकता है अभी। राइट ए ओरिजिनल प्ले ऑन द गिवन कॉन्सेप्ट, ऑप्शन फोर जो है सबसे बढ़िया है, ओरिजिनलिटी जिसमें आता है वो सबसे बढ़िया होता है गिफ्टेड चिल्ड्रेन के लिए, तो ऑप्शन फोर यहाँ पे सही है, बाकी थ्री भी बेस्ट था लेकिन फोर यहाँ सही है। फोर नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ चाइल्ड प्रोसेसिंग बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, तो हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से 9 टाइप का इंटेलिजेंस दिए थे, तो उनमें से बॉडीली किनेस्थेटिक भी एक इंटेलिजेंस है, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें क्या होता है, तो इस टाइप का जो बॉडीली किनेस्थेटिक होता है तो ऑरेटर होता है, पॉलिटिकल लीडर होता है, सर्जन होता है या पोइट होता है, आपको बताना है। तो जो बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होता है वो लोग क्या होते हैं, आपका सर्जन होते हैं, यानी जो भी स्मॉल चीज़ है सर्जन को पता है, बहुत बारीकी चीज़ आपको मतलब उसमें स्मार्ट होना पड़ता है, क्योंकि यदि ऑपरेशन कर रहा है, यदि स्मार्ट नहीं होगा तो कुछ ना कुछ करना है, ऑपरेशन कर देगा कुछ, तो इसलिए बॉडी केमिस्ट्री जो है सर्जन से रिलेटेड है। बाकी यहाँ पोइट जो है इससे नहीं है, ऑरेटर भी नहीं है, ऑरेटर मतलब जो इंटरपर्सनल स्किल ज़्यादा रखता है वो होगा, तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन थ्री। आगे चलेंगे, गिफ्टेड स्टूडेंट क्या होते हैं, जे आर जनरली फिजिकली वीक ऐसा बात नहीं है, जनरली डू नॉट लाइक ऐसा भी नहीं है, रियलाइज देयर पोटेंशियल विदाउट एनी हेल्प ऐसा भी नहीं है, हो सकता है अभी, लेकिन परफॉर्म एक्सेप्शन वेल इन एनी फील्ड इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन बींग, हाँ एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करते हैं लेकिन ऐसा बात नहीं है कि किसी का हेल्प जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन फोर यहाँ पे सही है, थ्री भी था लेकिन यहाँ पे लिख दिया विदाउट एनी हेल्प, ये ऐसा नहीं है, कभी कभी लोगों को भी हेल्प चाहिए था होता हो चाहिए होता होगा हो, मतलब वो लोगों को चाहिए, ठीक है, ऑप्शन फोर यहाँ पे सही है, परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन एनी फील्ड इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन बींग्स। नॉलेज ऑफ डेज विल बी मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर टीचर डीलिंग विद ए क्लास कंप्रेजिंग ऑफ स्टूडेंट ऑफ मिक्स एज ग्रुप, यदि मिक्स एज ग्रुप का बच्चा है उसको डील करते समय टीचर को क्या नॉलेज होना चाहिए, देखिए डेवलपमेंट का स्टेज जो है उसका नॉलेज होना चाहिए कि कौन डेवलपमेंट स्टेज में क्या विकास होता है, तो टीचर अच्छी तरह से मिक्स ग्रुप का एज बच्चे होंगे उसको आसानी से डील कर पाएंगे, ऑप्शन टू यहाँ पर सही है।
क्लासरूम आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीई, जिससे कि आप सभी को पता होगा आरटीई 2009 में ठीक है आया और 2010 में पूरी तरह से लागू हो गया। तो उसको आने के बाद क्लासरूम जो है वो क्या हो चुका है आपको ये बताना है। हेट्रोजेनस, होमोजेनस ऐसा करके क्वेश्चन ऑप्शन दिया है, एज वाइज मोर होमोजेनस, एज वाइज मोर हेट्रोजेनस। तो इसका सही आंसर आपका है, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एज वाइज मोर होमोजेनस, होमोजेनस हो गया, एक जैसा हो गया, हेट्रो मतलब अलग अलग नहीं किया ठीक है, होमोजेनस हो गया। यानी आरटी आने के बाद मतलब नॉर्मल और सीडब्ल्यूएसएन बच्चा लोग एक साथ पढ़ता है, यानी होमोजेनस हो गया। बाकी हेट्रोजेनस यहाँ पे दिया है, अनइफेक्टेड ऐसा भी नहीं है, और जेंडर वाइज हो गया अभी नहीं है, सही है ठीक है, ऑप्शन वन यहाँ पे सही है। सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट में भी रिलेटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट, यदि कोई भी कॉन्सेप्ट को सिस्टमेटिक प्रेजेंट किया जा रहा है तो कौन सा डेवलपमेंट से रिलेटेड हो रहा है। यहाँ पे डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, जो यहाँ दिया ऑप्शन नंबर टू, यानी ऑर्डर में जो है डेवलपमेंट होगा वो इससे रिलेटेड होगा। जैसे आप कॉन्सेप्ट को सिस्टमेटिक सिखा रहे हैं तो डेवलपमेंट किससे रिलेटेड हो, डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्कैफोल्डिंग यहाँ पे दिया है, स्कैफोल्डिंग किस किस थ्योरी के में मिलेगा आपको, आपका लेव भाइगोत्स्की का थ्योरी था उसमें मिलेगा स्कैफोल्डिंग, ZPD और MKO जो है वो। स्कैफोल्डिंग मतलब होता है टेम्पोररी हेल्प, तो यहाँ पे क्या दिया देख लेते हैं। स्कैफोल्डिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरी रिफर्स टू, देखिए टेम्पोररी यहाँ पे दिया है, डायरेक्ट इस पे चले जाएंगे, टेम्पोररी सपोर्ट इन द लर्निंग बाय द एडल्ट, यदि टेम्पोररी सपोर्ट जो होता है उसको हम लोग स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। आगे चलेंगे, द सेंटेंस मैडम मैडम ड्राइव्स ए बाइक साइकिल इज, एक सेंटेंस दिया है, ये पहले आता था इस तरह का, आजकल क्वेश्चन नहीं आता है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसको डायरेक्टली आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको याद रखना है ऑप्शन ए सही है आंसर की के हिसाब से, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश वीडियो में आपको मिल जाएगा। करेक्ट सेंटेटिकली बट सेमेंटिकली इनकरेक्ट, ये जो दिया है वो सही है ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो एक्सप्लेनेशन उसका पॉसिबल नहीं होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट एज ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द IQ ट्रेंड्स टू, यदि क्लासीफाई किया जा रहा है बच्चों को IQ के हिसाब से तो उससे क्या हो सकता है, एंड देयर सेल्फ इस्टीम डेज इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो यदि IQ के बेस पे किया जा रहा है तो देखो देखिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है IQ के बेस पे, क्योंकि हर बच्चा का IQ अलग हो सकता है। तो इसका सही आंसर देने से पहले एक बात जान लीजिए कि इसका एलो का जो IQ के हिसाब से ग्रुपिंग कर रहे हैं तो लोगों का लर्निंग लेवल या सेल्फ कॉन्फिडेंस डिक्रीज हो जाएगा सबसे पहले, लेकिन एकेडमिक परफॉर्मेंस में कोई असर नहीं पड़ सकता है, नो इफेक्ट ऑन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन फोर सही होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट जो है ये भी आपको मिलेगा, इसमें क्या था कल्चर फ्री IQ टेस्ट दिया था, एग्जांपल ऑफ कल्चर फ्री IQ टेस्ट, ऑप्शन टू यहाँ पे सही है, इसको आपको याद रखना है। कुछ क्वेश्चन इस टाइप में आ गया है इस पेपर में, द न्यूज़ ऑफ वुमेन सेलिंग हर चाइल्ड टू ऑब्टेन फूड मे बी अंडरस्टूड बेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, आपको बोला जा रहा है द न्यूज़ ऑफ वुमेन सेलिंग हर चाइल्ड टू ऑब्टेन फूड मे बी अंडरस्टूड बेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइकोएनालिटिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ हेरेडिकल साइको सोशल थ्योरी, या फिर तो फोर नंबर था थ्योरी ऑफ री एनफोर्समेंट कॉन्टेजेंसी। तो यहाँ पे इस तरह को थ्योरी में आपको नहीं मिलेगा, अभी भी नहीं मिलेगा, साइको सोशल थ्योरी आपका रिग्रेशन दिया इसमें भी नहीं मीलेगा। यहाँ पे ऑप्शन टू जो है थ्योरी ऑफ हेरेडिकल नीड्स, यहाँ पे एक वुमेन कुछ चीज़ सेल कर रही है खाना पाने के लिए, यानी हेरेडिकल नीड्स है, क्योंकि मेस्लो का थ्योरी में आपको मिलेगा, साइको सोशल नीड लास्ट में आपका सेल्फ एक्सप्लेनेशन है, उस नीड्स के हिसाब से एक हायरार्की है ठीक है, थ्योरी ऑफ हायरार्किकल नीड्स यहाँ पे सही होगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आगे मेस्लो थ्योरी पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन को आप कर सकते थे। बाकी द वर्ड कॉम्प्रेहेंसिव इन द टर्म ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रेहेंसिव रिलेशन इज सपोर्टेड बाय फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो कौन सा यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया गया आपको बताना है। CC आपको मिलेगा, उसमें CC में कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रेहेंसिव एक्सप्रेशन भी मिलेगा, तो गिलफोर्ड जो है आपको ए नहीं मिलेगा, गिलफोर्ड आप इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़े होंगे तो गिलफोर्ड जो है गिलफोर्ड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन थ्री यहाँ पे सही होगा। बाकी जो है जो कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन है उसके हिसाब से सही है, लेकिन ये जो जेपी गिलफोर्ड थ्योरी है ये नहीं है ठीक है। जेपी गिलफोर्ड के हिसाब से तीन था आपका टाइप, वो भी आप देख सकते हैं, ऑप्शन थ्री यहाँ सही होगा। नेक्स्ट कर लेंगे, असेसमेंट जो है डेज लर्निंग इन्फ्लुएंस बाय द रीइन्फोर्समेंट, असेसमेंट जो है लर्निंग को क्या कैसे इन्फ्लुएंस करता है, तो ऑफ होगा फॉर होगा ये जो आपको बताना है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन्फ्लुएंस लर्निंग बाय रीइन्फोर्सिंग द कनेक्शन बिटवीन असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन वन है असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है ऑफ नहीं, असेसमेंट फॉर लर्निंग किस लिए कहा जाता है, ऑफ तो आपको ग्रेड के लिए कहा जाता है, तो ऑफ यहाँ पे जो है थ्री और फोर नहीं होगा,
होगा तो फोर होगा, फोर किस लिए? फॉर्मेटिव, यानी इसको में सुधार का जरूरी होता है, और इसमें यही बोल रहा है कि उसे रीइन्फोर्स करके उसमें सुधार किया जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन वन यहाँ पे सही है कि फोर जो है लर्निंग इन्फ्लुएंस करता है लर्नर को और उसको रीइन्फोर्समेंट किया जाता है जो कनेक्शन बनाया जाता है असेसमेंट और इंस्ट्रक्शन प्रोसेस में। तो ऑप्शन यहाँ पे वन सही होगा। आगे, इन साइंस प्रैक्टिकल बॉयज जनरली टेक्स कंट्रोल ऑफ एपरेटस एंड गर्ल्स टेक रिकॉर्ड ऑफ डाटा। यदि ऐसा कहीं हो रहा है, बॉयज बॉयज का काम कर रहा है, गर्ल्स गर्ल्स का काम कर रहा है, यानी जेंडर बायस वाला सीधा सवाल। ये ऑप्शन थ्री जो दिया है, स्टीरियोटाइपिंग ऑफ मैस्कुलिन एंड फीमेल रोल्स टेक प्लेस इन द स्कूल ऑल्सो। ठीक है, थ्री सही है। हाउ टीचर एंड स्टूडेंट इंटरप्रेट या फिर कंस्ट्रक्ट या फिर रेप्ट, आपको बताना कौन सा सही होगा। डेस जेंडर इन द क्लासरूम इट डेस लर्निंग एनवायरमेंट। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा आपको बताना है। देखिए, हाउ टीचर एंड स्टूडेंट एडेप्ट जेंडर इन द क्लास रूम, मुझे लगता है थ्री सही होना चाहिए, एंड पार्ट्रप्स द लर्निंग एनवायरमेंट। ऑप्शन थ्री यहाँ पे सही है। ठीक है, इंटरप्रेट नहीं करना होता है स्टूडेंट और टीचर को, कंस्ट्रक्ट भी नहीं किया जा सकता है और डिफाइन भी नहीं किया जा सकता है। सो ऑप्शन थ्री यहाँ पे सही है। आगे चलेंगे, ये पेपर थोड़ा टफ है। द वर्ड कंपल्सरी इन द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 मीन्स, तो 2009 के हिसाब से आरटी था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए। ठीक है, कितना, 6 से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों को मिलना चाहिए 21A आर्टिकल के हिसाब से। तो उसमें कंपलसरी का मतलब क्या है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि वो लोग को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल एंश्योर एडमिशन अटेंडेंस एंड कंपटीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ऑप्शन जो फोर है, मेरे हिसाब से कंपलसरी का मतलब यह है कि सरकार जो है आपको सब कुछ प्रदान करे, जो भी है सेंट्रल में या स्टेट में मिलके आपको कंपल्सरी एजुकेशन का जो प्राप्त करने का जो प्रोसेस है उसमें आपको हेल्प करे। और वैसे भी एजुकेशन आप कंक्रेंट लिस्ट में आ चुका है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके आपको काम करना होगा। तो इसीलिए ऑप्शन थ्री नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सिर्फ नहीं है, आप एजुकेशन कंक्रेंट लिस्ट में आ गया, यानी दोनों का इक्वल पावर है। आगे चलेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल इज नॉट इन्वॉल्व इन लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग में कौन नहीं होता है, जैसे लेसन प्लानिंग में रिजिडिटी नहीं होता है। ठीक है, रिजिडिटी होगा तो आप लेसन प्लानिंग आपका सही नहीं हो सकता है, क्योंकि समय के हिसाब से स्टूडेंट के सिचुएशन के हिसाब से चेंज होना होता है। तो रिजिडिटी ऑफ लर्निंग नहीं होता, बाकी लेसन प्लानिंग का प्रिंसिपल है। आगे चलेंगे, सेल्फ रेगुलेशन, व्हाट डज सेल्फ रेगुलेशन ऑफ द लर्नर मीन्स। सेल्फ रेगुलेशन होता है आपका अपना खुद लर्निंग को मॉनिटर करना, एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ऑन लर्निंग। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है। आगे चलेंगे, द लैब स्कूल, लैब स्कूल किस में मिलेगा आपको, जॉन डीवी का थ्योरी मिलेगा। इसमें क्या होता है, जॉन डीवी किसका एग्जांपल में दिए थे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड, यानी यहाँ पे प्रोग्रेसिव दिया तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन स्कूल होगा। ठीक है, ऑप्शन टू, ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी एज प्रिस्क्राइब बाई CBSE एज ए पावरफुल मीन्स। ग्रुप एक्टिविटी क्यों पावरफुल मीन्स हो सकता है, क्योंकि इससे सोशल पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है ग्रुप प्रोजेक्ट में, क्योंकि सब वो मिलकर करेंगे और अलग डाइवर्सिटी प्रोफाइल होगा, डाइवर्सिटी होगा तो सोशल पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन वन यहाँ पे फैसिलिटेट होगा, मतलब सही होगा, फैसिलिटेटिंग ऑफ फैसिलिटेटिंग सोशल पार्टिसिपेशन। ठीक है, 24 पे चलेंगे, फॉर इंटेंसली मोटिवेटेड स्टूडेंट, जो अंदर से मोटिवेटेड बच्चा है उसको रिवार्ड कोई जरूरी नहीं होता है। देखते हैं, द लेवल मोटिवेशन लोअर नहीं हो, देयर नीड टू नो फॉर्मल एजुकेशन, रिवार्ड्स आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। लोगों को रिवार्ड नहीं चाहिए, तो अंदर से मोटिवेशन है उसको रिवार्ड नहीं चाहिए, बाकी एक्सटर्नल रिवार्ड इनफ नहीं होता है टू कीप मोटिवेटेड, ये भी कुछ हद तक सही है। तो ये भी हो सकता है, और थ्री और फोर्थ बिल्कुल नहीं होगा, वन और टू में देख लेते हैं, रिवार्ड आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, ये भी बोलना थोड़ा गलत मुझे लग रहा है, लेकिन ऑप्शन टू में जो दिया है, एक्सटर्नल रिवार्ड आर नॉट इनफ टू कीप देम सेल्फ मोटिवेटेड, एक्सटर्नल रिवार्ड लोगों को मोटिवेटेड रखना सही नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन टू वन से भी बेस्ट है, तो इसको आप लगाइएगा ऑप्शन टू। ठीक है, 24 के लिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अचीवमेंट मोटिवेशन क्या होता है, टेंडेंसी टू परसिस्टिंग ए चैलेंजिंग टास्क जो है अचीवमेंट मोटिवेशन का मतलब होता है। डिक्शनरी मीनिंग भी देख सकते हैं, कितना अचीव किया है, मैंने आपको चतुराई पूर्ण कितना है कोई काम को करने में, वो बोलते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन। टेंडेंसी टू परसिस्ट एट ए चैलेंजिंग टास्क, कोई भी चैलेंजिंग टास्क को कितना आसानी से आप जल्दी से कर पा रहे हैं, वही अचीवमेंट मोटिवेशन का मतलब होता है। बाकी अवॉइड फेलियर के लिए नहीं होता है, विलिंगनेस एक्सेप्ट फेलियर और सक्सेस के लिए नहीं होता, टेंडेंसी टू एक्ट इंपल्सिवली अभी नहीं है, ऑप्शन वन यहाँ सही है। आइडियल वेटिंग टाइम फॉर गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू। आइडियल वेटिंग टाइम जो होता है, यानी रिस्पॉन्स पाने के लिए आइडियल वेटिंग टाइम टीचर करता है या स्टूडेंट करता है, तो उससे क्या दर्शाता है आपको, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या डिफिकल्टी है वो दर्शाता है, यानी क्वेश्चन में थोड़ा हार्ड होता है तो बच्चा या फिर टीचर को वेट करना पड़ता होगा। तो आइडियल वेटिंग टाइम यही दर्शाता है कि स्टूडेंट को मतलब डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से वो वेट कर सकता है। तो हो सकता है किसी बच्चों को ना भी आए, तो इसलिए वेट तो करना पड़ेगा, तो ऑप्शन टू यहाँ पे सही है।
आगे नेक्स्ट, सपोज यू आर द चेयर पर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हाउ वुड यू प्लान टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द स्कूल अंडर द योर ज्यूरिसडिक्शन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, मान लीजिए कि आपको चेयरपर्सन बनाया जाएगा किसी एजुकेशन बोर्ड का, तो आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ठीक करने में आप किस तरह मतलब अपना रोल अदा कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है जो है वो हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए है और डाइवर्जेंट, यानी हाई ऑर्डर डाइवर्जेंट। देखिए इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, सोचेंगे तो क्वेश्चन हाई ऑर्डर हो गया, और इसके लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन है जो, इसलिए डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट होता है क्लोज एंडेड, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लोअर लेवल तो है नहीं, तो ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन टू। ठीक है, 27 हो गया, 28। स्टूडेंट सेज माई मदर रैंक प्रिंसिपल मैम लास्ट नाइट। देखिए ये बोलने में बच्चा गलत कर रहा है, एज टीचर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बच्चों को डायरेक्टली आपको बोलना नहीं है, आपको सुधार देना है, आपको बोल के सुधारना है। देखिए, ओ रियली योर मदर रैंक आप प्रिंसिपल मैम लास्ट नाइट, डिड सी सीक एन अपॉइंटमेंट विथ हर। जो यहाँ पे टीचर जो है यहाँ पे क्या चेंज किया, देखिए आर ए एन जी जो यहाँ पे लगा के चेंज कर दिया, वो पास्ट में लगाया है रिंक्ड, यहाँ पे टीचर प्रेजेंट में लगा के इसको चेंज कर दिया, यानी टीचर यहाँ पे सही बोल रहे हैं, और यहाँ पे इनकोरेक्ट भाव होना है ऐसा बोल के आप उसको इंसल्ट फील होगा, ऐसा आपको करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। बच्चों को गलत कभी साबित नहीं करना होता है, उसको अपने लैंग्वेज में ही बता के मतलब प्रैक्टिस करा के ठीक कराना है आपको। तो ऑप्शन यहाँ पे वन सही है। ठीक है, आगे, चिल्ड्रेन इन प्राइमरी स्कूल फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज एज प्रपोज बाय लॉरेंस कॉलबर्ग। तो प्राइमरी स्कूल में बच्चा क्या कौन सा लेवल फॉलो करता है, देखिए ओबीडियंस एंड पनिशमेंट करता है, और अच्छा इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज जो है वो भी करता है, यानी गुड टिट फॉर टेट जो है वो भी करता है। तो वन और बी मुझे सही लग रहा है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ए और बी ऑप्शन थ्री है सही आंसर, क्योंकि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता प्राइमरी में, और समाज का कंस्ट्रक्ट पे वो भी बल नहीं देता है, वो तो आपका हायर लेवल का चीज़ है। तो थ्री नंबर जो है सही है। लास्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल मतलब होता है ऑल रिकॉर्ड, ए फॉर एनेक्डोटल, ए फॉर ऑल। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या नहीं होता है, ए आपका क्या नहीं होता है आपको बताना है। इट इज़ एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल इवेंट, बिल्कुल सही हो सकता है, ए हो सकता है। इट डिस्क्राइब पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंटरेक्शन ऑफ चाइल्ड, ए भी हो सकते हैं। इट इज़ फैक्चुअल रिपोर्ट विथ इनफ डिटेल, ए मुझे लग रहा है कुछ इसमें गड़बड़ी है, लोचा है। लेकिन इट इज़ सब्जेक्टिव एविडेंस, यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो गया, सब्जेक्टिव नहीं होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, थ्री से तो ख़राब, यहाँ पे मुझे फोर लग रहा है, डायरेक्टली यहाँ देखा है सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑप्शन फोर यहाँ पे सही है कि ये सब्जेक्टिव नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और यही यहाँ पूछा था कौन सा गलत है। तो हम लोग को यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। तो इस प्रकार 30 क्वेश्चन कर लेंगे, पेपर थोड़ा सा अच्छा था, मतलब लेवल अच्छा था। तो वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग आगे का क्वेश्चन पेपर जो बचा है उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।